मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को अपने गृह क्षेत्र नदौन पहुंचे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से गौना के मैदान में पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री सेरा के विश्राम गृह में पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रतिनिधि मंडलों और अन्य लोगों से भेंट की। विश्राम गृह में देर शाम तक मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और उनसे मुलाकात की। इस मौके पर बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, अमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। आजादी के बाद पहला ऐसा ये केस हुआ है जिसमें 2 साल की सजा हुई है। आज तक कभी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है, वो भी मान हानि के मामले में। और मान हानि का मामला क्या होता है, जैसे मेरे प्रति कोई टिप्पणी की तो मैं उसके लिए कोर्ट में जाता हूँ। ये ऐसा मामला है जिसमें जिसके प्रति टिप्पणी की थी वो तो कोर्ट में गए नहीं, कोई तीसरा आदमी इसमें कोर्ट में जाकर 2 साल की सजा, वो भी मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है और जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो नेता है हमारे राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करते हैं और 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहना देते हैं। ये किस बात को इंगित करता है? ये इस बात को इंगित करता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो राहुल गांधी जी से घबरा कर इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। सर, उन्होंने बोला कि ओबीसी का अपमान क्या है राहुल गांधी जी, इसमें कोई कानून के मामले में कोई और चीज नहीं होती। सर जी, आपके नेतृत्व में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी तो चुनाव की तिथि घोषित हुई है, अभी तो चुनाव की गतिविध में जिस भी दृष्टिकोण को हम उस समय प्रस्तुत करेंगे उसके बाद सच कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।